तो ये जो मानसिकता है जिन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार पर रोक लगाई है, ये जहांगीरी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। जन्माष्टमी जैसे त्योहार की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। के पाठक जी नाश हो जाइएगा, भगवान राम और कृष्ण को चुनौती देने वाले लोग पूरी दुनिया में मिट गए हैं, आपका भी वजूद मिट जाएगा, गफलत में मत रहिए। छठ की छुट्टी रद्द कर दीजिएगा, छठ 4 दिनों का त्योहार होता है, ये लोक आस्था का महापर्व है, पूरी दुनिया में छठ बिहार से फैला। जितिया का पर्व होता है, आप जीवित पत्रिका के छुट्टी को आपने रद्द कर दिया। पता है शिक्षा विभाग के इन पागल अधिकारियों को कि जो जीवित पत्रिका की जो छुट्टी होती है उस दिन महिलाएं दातुन तक नहीं करती हैं। जो महिलाएं दातुन तक नहीं करती हैं और इतना बड़ा निर्जला उपवास रखती हैं, और आप उसको कह दीजिए कि नहीं आप स्कूल में आ जाइए, स्कूल में चली जाएगी। 60% से ज्यादा शिक्षिकाएं हैं। एक बार फिर बिहार के शिक्षा विभाग में SC/SK फाटक के तुगलकी फरमान ने भूचाल सा ला दिया है। अब शिक्षकों की छुट्टी में आधी कटौती करते हुए 13 छुट्टी को रद्द कर दिया गया है, जिसमें रक्षाबंधन सहित कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, दीपावली, तीज, भ्रातृद्वितीया, छठ जैसे छुट्टी में कमी कर दी गई है, जिससे शिक्षक शिक्षिकाएं में काफ़ी रोष व्याप्त है। और शिक्षक शिक्षिकाएं का कहना है कि जिस तरह से इस तरह की छुट्टी में कमी की गई है, हिंदू धर्म रीति रिवाज को इस तरह से अपमानित करने का काम SC/SK पाठक के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सुन लेते हैं कि शिक्षक संघ के नेता बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा क्या कहा जा रहा है। कि सैद्धांतिक रूप से उसके सारे निर्णय सही थे, लेकिन वे जितने भी निर्णय थे, जितने सैद्धांतिक रूप से सही थे, व्यवहारिक रूप से उतने ही गलत थे। तो उसी प्रकार से अभी जो फरमान आया है, सैद्धांतिक रूप से कर्णप्रिय आदेश है कि छुट्टियां रद्द कर दी गई, जनता खूब खुश हो जाओ कि शिक्षकों की तो अब बाट लग रही है, अब शिक्षक तो एकदम सांसत में जी रहे हैं, अब शिक्षक परेशान है, इसलिए सोसाइटी के लोग खुश हो जाए, पॉलिटिशियन खुश हो जाए, जनता को दिखावा किया जाए। रक्षाबंधन का त्योहार है कल, और कल रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर आपने रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी है। स्कूल में बच्चा आ जाएगा क्या? दुनिया की कोई भी सरकार, दुनिया का कोई भी प्रशासन यदि जन भावना के विरुद्ध चलेगा वह सफल नहीं हो सकता है। रक्षाबंधन का जो त्योहार है, भाई बहन के प्रेम का अद्भुत त्योहार है, और इस त्योहार को तो मुगल भी नहीं रोक सके थे। अपने अगर मुगल दरबार में इस त्योहार को मनाता था, बाद में अकबर आए, अकबर ने भी इस त्योहार को अपने राज दरबार में मनाया, राजकीय समारोह करके मनाया। उसके बाद आया उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर ने भी इसे मनाया। उसके बाद आया शाहजहां, शाहजहां ने भी इसको ही मनाया, और बाद में आया औरंगजेब, तो औरंगजेब ने कहा कि नहीं, ये त्योहार नहीं मनाना है। तो ये जो मानसिकता है जिन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार पर रोक लगाई है, ये जहांगीरी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। इनको हम मुगल भी नहीं कह सकते हैं, मुगलों ने तो इस त्योहार को बढ़ावा दिया था, मुगल भी इसको नहीं रोक सके थे, और आप चले हैं रोकने के लिए। बिहार के किसी विद्यालय में एक भी बच्चा नहीं आएगा, के पाठक जी सुन लीजिए, आपके फरमान दे देने से स्कूल में बच्चा आ जाएगा और पढ़ाई हो जाएगी, ये नहीं होने वाला है। आज तो हम स्कूल में थे, बच्चों से हमने बात किया, हमने बच्चियों से बात किया, कहा कल आना है स्कूल, नहीं आएगा कोई भी भैया, आप पढ़वा लीजिएगा, किसको पढ़ाना चाहते हैं, जब बच्चा ही नहीं आएगा तो टीचर को बुला लीजिए, आप खुश होइए कि हमने आदेश दे दिया। नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे, जाकर विद्यालय में जाकर के दीवार गिनेंगे, ईंट गिनेंगे, क्या करेंगे। ये सब सस्ती लोकप्रियता के लिए ये इस प्रकार का फरमान दिया गया। इस आदेश में कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। अब बताइए कि जो सीधे श्री कृष्ण को चुनौती देता हो, कहां इनका वजूद रहेगा? पता है इनको, ये राम और कृष्ण की भूमि है, पूरी दुनिया के लोग कृष्ण को सर झुकाने के लिए, सर नवाने के लिए यहां पर आते हैं। यहाँ के लोगों को मोहम्मद साहब के जन्मदिन से तो कभी दिक्कत नहीं हुई, या किसी मुसलमान को भी कृष्ण के जन्मोत्सव से कभी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तो रसखान भी जो है मुस्लिम होते हुए कृष्ण के भक्त रहे, आज भी कृष्ण के जो वस्त्र जो सिले जाते हैं वो मुस्लिम परिवारों में सिले जाते हैं और कृष्ण को पहनाए जाते हैं। यह इस प्रकार का त्यौहार है जिसको हिंदू मुसलमान सभी मिलकर मनाते, और आप कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी को रद्द कर दिए। यह जन्माष्टमी जैसे त्यौहार की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। के पाठक जी नाश हो जाइएगा, भगवान राम और कृष्ण को चुनौती देने वाले लोग पूरी दुनिया में मिट गए हैं, आपका भी वजूद मिट जाएगा, गफलत में मत रहिए। छठ की छुट्टी रद्द कर दीजिएगा, छठ 4 दिनों का त्यौहार होता है, ये लोक आस्था का महापर्व है, पूरी दुनिया में छठ बिहार से फैला, बिहार से फैला है, आपको पता है। यह सूर्य उपासना का जो त्यौहार है, औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है, पूरे बिहार में इकलौता सूर्य मंदिर है, औरंगाबाद में, इसी बिहार के अंदर में है। और जब औरंगजेब जब सारे मंदिरों को तोड़ रहा था, जब आया यहाँ पर तोड़ने के लिए औरंगाबाद के देव के सूर्य मंदिर को, तो कहा लोगों ने कि नहीं इस मंदिर को आप मत तोड़िए, ये हमारे लोक आस्था का पर्व है, हम यहाँ छठ मनाते हैं, उस समय से छठ चल रहा है। औरंगजेब ने कहा
कि अगर वास्तव में तुम्हारे देवी देवता में शक्ति है और तुम्हारे इस मंदिर में बैठे भगवान में शक्ति है, तो यह पूरब की तरफ दरवाजा है इसका, अगर 24 घंटे में रात में अगर दरवाजा पश्चिम की ओर हो जाएगा तो हम तुम्हारे मंदिर को नहीं तोड़ेंगे, ऐसी किंग वदंती है। और रात भर में उसका गेट पश्चिम की ओर हो गया, या वह धरती है बिहार की धरती, और आप चले हैं छठ जैसे त्योहार को चुनौती देने के लिए। पूरी दुनिया के लोग जब छठ का त्योहार होता है, अमेरिका में रहने वाला कोई हो या इंग्लैंड में रहने वाला हो या ब्रिटेन जर्मनी में रहने वाला हो, छठ का त्योहार अपने परिवार के साथ मनाने आता है, या 4 दिनों का त्योहार होता है और उस त्योहार की छुट्टी को आपने मात्र 2 दिन में समेट करके रख दिया, और आप कह रहे हैं कि आप व्यवस्था सुधार लीजिएगा और आप बच्चों को पढ़ा लीजिएगा, छठ के दिन में बच्चा आ जाएगा स्कूल में। स्कूलों में तो जो प्राइवेट स्कूल है वो कृत्रिम नाटक करते हैं छठ का, क्योंकि शहर में तो छठ का गीत गाने किसी को आता नहीं है, लेकिन गांव में जो है हमारा उद्देश्य केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं है, समाज से कनेक्ट करके भी रखना है, अपनी जो सभ्यता संस्कृति है, जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी सहेजना और बढ़ाना, संवर्धन करना हमारी जवाबदेही है। और हमारे बच्चे छठ त्योहार में, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी में, चाहे किसी भी पर्व त्योहार में जब रहते हैं, वो उसको भी सीखते हैं, वो इस परंपरा के वाहक हैं। आप उसको रोक दीजिएगा कि नहीं, आप उस पर्व में शामिल नहीं हुई, और आप आकर के स्कूल में सारे लोग आईएएस बना दीजिए, सारे लोग पढ़ करके विद्वान हो जाइएगा, 8वीं फेल व्यक्ति क्या जानेगा छठ के त्योहार का महत्व। किसी के बच्चे को किस प्रकार से पर्व त्योहार मनाने की आजादी होनी चाहिए, जो अपने बेटे बेटियों के साथ त्योहार नहीं मना सकता, भगवान श्री कृष्ण की आराधना उपासना नहीं कर सकता है, जो अपने परिवार के लोगों के साथ अपने धार्मिक मान्यताओं को सहेज नहीं सकता है, वह दूसरों के बच्चों को ही बर्बाद करने पर तुला है। यह सस्ती लोकप्रियता के लिए उठाया गया कदम है। यह बताइए, जितिया का पर्व होता है, आप जीवित पत्रिका के छुट्टी को आपने रद्द कर दिया, पता है शिक्षा विभाग के इन पागल अधिकारियों को कि जो जीवित पत्रिका की जो छुट्टी होती है उस दिन महिलाएं दातुन तक नहीं करती हैं, जो महिलाएं दातुन तक नहीं करती हैं और इतना बड़ा निर्जला उपवास रखती हैं, और आप उसको कह दीजिए कि नहीं आप स्कूल में आ जाइए, वो स्कूल में चली जाएगी। 60% से ज्यादा शिक्षिकाएं हैं, अगर कम संख्या में शिक्षिकाएं होती और यह त्योहार करने वाले चंद लोग होते उन्हें छुट्टी भी मिल सकती थी। किसी विद्यालय में आप 50% शिक्षक को छुट्टी दे देंगे, एचएम छुट्टी देगा क्या? 50% से अधिक जो महिला शिक्षिका हैं, जब छुट्टी भी आप नहीं दे सकते हैं। यह केवल और केवल छुट्टी का मामला नहीं है, यह हमारे संविधान प्रदत्त जो हमें अधिकार मिला हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार हमारा, इस फंडामेंटल राइट पर हमला है, धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। तमाम शिक्षकों से मैं आह्वान करता हूँ, आप अपने ढंग से पर्व को मनाइए, जो भी लोग बाद में अगर कार्रवाई करते हैं हम उनको चुनौती देंगे। संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, देश और संविधान से ऊपर कोई नहीं चलेगा। या तीज का पर्व होता है, तीज महिलाएं इतना श्रद्धा से करती हैं, तीज में रात्रि में महिलाएं जगती हैं, रात भर सोती नहीं है 24 घंटे, और तीज जैसे त्योहार में आपने छुट्टी रद्द कर दिया, जिसके अपने परिवार होंगे, अपनी पत्नी होगी, अपने बच्चे होंगे, वह इस प्रकार का आदेश कदापि नहीं दे सकता है। या विकृत मानसिकता के लोगों का यह परिचायक है, सस्ती लोकप्रियता के लिए यह हिटलरशाही फरमान है, और यह श्री कृष्ण को चुनौती देने वाले लोगों को औकात का पता चल जाए।